प्रभास कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा सुमति को एम्पायर को देने के बाद, और फिर सेकंड मूवी में अंदर से उसके मोटिवेशंस चेंज होगी कॉम्प्लेक्स के अंदर से. पॉसिबिलिटी है, यू कैन नॉट डिनाई. बट आई मीन देखो, हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शंबाला का मैसेकर देखने के बाद वो बदल जाए, क्योंकि एक शॉट है ना दीपिका पादुकोण शंबाला में खड़ी होती है और सब कुछ जल रहा होता है आगे पीछे, और नीचे पांव में लाशें गिरी हुई हैं. हाँ तो मे बी हो सकता है कि मतलब फाइनली भैरवा को मिल जाए कॉम्प्लेक्स में जाना, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके उसे एक्चुअली सच पता चले, जैसे KGF चैप्टर 1 में हुआ था, और फिर अंदर से उसके मोटिवेशन चेंज हो जाए कि नहीं अब ये लोग एक्चुअली में सही थे, मैं गलत था. और इसको लेके वही थेरीज वगैरह डिस्कस करने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि एक यूजर ने ट्विटर पे टैग करके पोस्टर टैग किया था जब सबसे पहला पोस्टर आया था, तो उसके अंदर लिखा था कि हीरोज आर नॉट बॉर्न, दे राइज. यस, तो मतलब अगर वो मूवी का टैगलाइन है तो उससे भी काफी थेरीज निकाल सकते हो कि मे बी यू नो कल्कि का बॉर्न होना दीपिका के थ्रू वो अल्टीमेट एंड नहीं होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हां वो मूवी की मेन, बल्कि प्रभास का राइज होना, पहले वो बाउंटी के लिए जो भी लड़ रहा था बट देन ही रियलाइजेस एंड ही रोज टू द ओकेजन. तो ये भी मतलब ये भी हो सकता है कि उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश, बट जैसे पर इसमें फिर एक कैच भी आ जाता है, जैसे उन लोगों ने एक उसका नाम भैरवा रखा है, ठीक है, और ये थॉटफुल चीज है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कैरेक्टर का नाम तो काफी काफी सोच समझ के रखा वही, और तो भैरवा इज और कल्कि आर नॉट सिमिलर, ठीक है, भैरवा जो है वो शिव जी का फॉर्म है और कल्कि जो है वो विष्णु जी का, तो मतलब दोनों में बहुत, और इसमें उन्होंने एंड में वो जो वो डॉग वाला वो दिया है वो भी वो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट कर देता है, क्योंकि काल भैरव का तो वो वही है ना, एनिमल है डॉग, तो वो और ज्यादा कंसोलिडेट कर देता है उसको उसमें शिव जी ऊपर से ही इज द डिस्ट्रॉयर. यस, तो फिर तो, अगर भैरवा नाम दिया है तो वही तो मतलब वो फिर ऐसा है ना कि आप फिर उसको कल्कि में कैसे देखते हो, कि मतलब कैसे वो, हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म हिम इन टू कल्कि. लोगों का मतलब बहुत सारी थ्योरीज है कि हाँ वही कल्कि बनेगा, और मतलब चलो ठीक है वो भी समझ में आता है कि आपने प्रभास जैसे एक्टर को कास्ट किया है तो फिर आप है कि मतलब हाँ आप हाउ डू यू नॉट कास्ट हिम एज कल्कि, तो वो भी एक है. तो तुमको क्या लगता है इस बारे में? देखो अगर कास्ट करने के बाद इफ दे चोज टू यू नो रिवील कि कल्कि कोई और है तो ये बहुत बॉल्सी मूव हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा. और मैं चाहूंगा कि मतलब कल्कि के लिए किसी और को एक्टर को यूज किया जाए, मे बी बहुत ही फ्रेश फेस को, लेकिन वो काफी दूर भविष्य की बात है. एक मैं कहता हूँ जैसे कि चैप्टर 1-1 के लिए मान लो कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये चैप्टर 1 है, जो भी ट्रिलोजी या 4 पिक्चरें 3 पिक्चरें आए उसमें प्रभास ही लीड रहे. मैं चाहूंगा एज अ फाउंडिंग फादर के तौर पर कि अगर प्रभास ना होता तो ये चीज खड़ी ना हो पाती, फिर उसके बाद कल्कि का जन्म हो जाए, फिर बाद में वो तैयार हो एंड फिर कल्कि की स्टोरी शुरू हो. पर फिर इससे लोग इंटरेस्ट लूज नहीं कर देंगे क्योंकि मतलब मूवी की पूरी थीम ही कल्कि की है, पिक्चर का नाम कल्कि है सर. और अगर आप उसको 3 मूवी तक लेके ही नहीं आ रहे, ठीक है, अगर इफ कल्कि डजंट अपीयर टिल 3 मूवीज तो फिर हाँ नहीं, लोग तो ये सोचने लगेंगे यार क्या कर रहे हैं कल्कि का, नहीं उतना मतलब जबरदस्ती खींचना भी नहीं, लेकिन बता रहे कि कल्कि का जन्म हो जाए एज अ क्या कहते हैं फादर के तौर पे, उसे तैयार करना भैरवा की जिम्मेदारी हो, और भी कैरेक्टर्स अभी आएंगे, क्योंकि मैं जो इसकी एंड गेम वाली फाइट है ना मैं उसे काफी दूर इमेजिन करता हूँ. हाँ, और एज अ फेज 1 के लिए मैं प्रभास को ही चाहता हूँ कि वो लीड में रहे, उनको रूम मिले खुद को मतलब दिखाने का, कि मतलब अगर ये ना होते तो ये यूनिवर्स खड़ा ना हो पाता. लेकिन जो ठीक, मैं थोड़ा दूसरा पॉइंट उठा रहा हूँ, एंड में जब वो आता है बुज्जी को ऐसे करके, तो उसके अंदर जो स्माइल पास करी उसने की, वो थोड़ा उसमें देखो डेविलिश, वो पूरी इविल है, पूरा डेविलिश टच लग रहा है कि भाई ही इज गॉन इनटू मैडनेस मोड. वही वो उसके ईगो पे आ गया ना अभी, वो मतलब ये हो गया कि भाई मैं एक भी फाइट नहीं हारा, और वो अश्वत्थामा उसको हराएगा वहां पे, ठीक है, वो हारेगा, उसकी भयानक ईगो पे आएगी वो चीज कि तूने मेरे ये मैं आज तक कोई फाइट नहीं हारा और इसने मेरे को हरा कैसे दिया. अरे भाई यार, तो फिर वो बिल्कुल जैसे होता है ना कि आप ओवरकिल मोड पे चले आते हो कि मैं अब तो सब ऑल गन्स ब्लेजिंग जाए हो कि भाई अब मैं पूरा हरा कुछ भी करके हराऊंगा इसको, तो वो उसके फिर इट्स नॉट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट अबाउट सुमति, इट्स अबाउट हिज ईगो, हिज प्राइड, क्या मेरे को प्रूव करना है.
तो वो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि जैसे अब यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं जैसे कमेंट पढ़ रहा था अपने वीडियो के, तो उसमें लिखा था कि जैसे वो बोलता है कि मैं एक भी फाइट नहीं हारा हूँ, तो वो जैसे वो है ना कि मतलब विष्णु जी के जितने भी अवतार आए हैं अभी तक, तो वो सबका वध करते आए हैं, जितने भी राक्षस हुए हैं, तो कोई भी फाइट नहीं हारे वो, तो ये भी एक रेफरेंस हो सकता है कि मतलब यही कल के अवतार है उसको लेकर। हाँ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने इतना बड़ा एक्टर कास्ट किया तो वो तुम्हारा मेन कैरेक्टर होगा जो पिक्चर का टाइटल है तुम्हारा। बट मतलब हम लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देर आर ऑल्सो अदर एंड्स की, तुमने हाँ उनका देर इज नाम ऑल्सो बैरवा रख अनदर पॉस, दिया, वही वही। ठीक है, और फिर अरे वो अब ऐसा ऐसा अरे हो वो सकता भी है। वो भी और ये जैसे कि ये भी तो हो सकता है कि मे बी एंड एंड आते आते वो किसी और चिरंजीवी का भी हिंट दे दे, कोई और भी आ जाए। ऑब्वियसली पिक्चर में तुम हाँ एक्सपेक्ट करो कि अमिताभ बच्चन के अलावा और भी होंगे, क्योंकि हाँ 100% होंगे भाई, तू भी एंड में बहुत सरप्राइजेस पैक करेगी, एंड में आके ही क्योंकि तुम्हारी सेंस बनेगा ना कि मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ। हाँ देखो परशुराम तो 110%, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो जो कल्कि आएंगे उनको आगे ट्रेन करने में परशुराम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ठीक है, तो वो तो बड़ा 110% ही विल बी अपीयरिंग। अब वो इस मूवी में होंगे, अगली में होंगे, वो नहीं पता,